अपने गांव के लौटने दे ना इतना तोड़े गोविंदी नारायण जा रहे हैं अभी तो आज हम अपने मेहंदी में आए हैं और हम लोग अभी फिलहाल एंजॉय कर रहे हैं और सामने से लल्लू सेठ और रोहित तो यहाँ पे आज मेहंदी पे आ रखे शाम को पुत्री का मेहंदी है तो क्या शुभ अवसर पर जो दर्शक है कुछ कहना चाहोगे उनको? हमने पता नहीं था कि इतनी भीड़ उभर के आएगी, हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं अपने सगे संबंधी हुए अपने गांव वाले हुए काफी उभर के आए, अच्छा लगा, काफी लोग आ रखे हैं और खुशनुमा माहौल है, अवसर पर शरीक हुए मुझे बहुत अच्छा लगा। चलो चलो बहुत बहुत धन्यवाद, देख सकते हो यहाँ पे हमारा भानी। हेलो गाइस, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे परिवार की लास्ट शादी है और सबसे अच्छी शादी है, लड़कियों की शादी है बट फुल ऑन मजा आ रहा, मजा आ रहा। हमारे मामूजी आए, अभी इसके बाद होगा मजा। हमारे मामूजी शूटिंग में बिजी थे लेकिन फिर भी आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। और हमारे भाई लोग आए, सबकी व्यवस्था पूरी है, मिलते हैं बाद में। चलो वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल गाइस। तो ये है कैली एज यूजुअल, मेरा ट्रैवल बड़ी मैक्सिमम वीडियोस में। तो गाइस आप लोगों को लग रहा होगा आज हम कहाँ जा रहे हैं, तो आज हम रेनकोट करके इस हैवी भारी खूबसूरत एटमॉस्फेयर में और बरसात में हम जा रहे हैं सुवा की तरफ, यानी कि हमारे गांव, यानी कि मेरा गांव कैली का गांव, हम लोग जहाँ से बिलोंग करते हैं यानी कि वहाँ जा रहे हैं। वहाँ पे शादी है हमारे किसी बहन की, छोटी बहन की उरा की, तो उसकी शादी में जा रहे हैं मेहंदी के लिए। तो आज सैटरडे नाइट है तो कल संडे है, तो बने रहिए मेरे साथ में और ये जर्नी हमारे साथ बिताएं विदाउट स्क्रिप्टेड यानी ओरिजिनल। मौसम है खराब और बारिश और हमने त्रिपाल डाल लिया और ये धन्नो अपने साथ में, पहले धन्नो ने बर्फ का सहारा मतलब सामना किया, बारिश का सामना करेगी मेरे धन्नो जान। तो गाइस मिलते हैं और बने रहिए। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे जैसे कि मैं और कैली
जा रहे हैं अभी, फुल ऑन रिस्की राइड हो रहा है, यानी कि तिरपाल में अंदर राइड होने रही है साथ में। और अभी ज्यादा शूट नहीं कर सकता बस क्योंकि राइड कर रहा हूँ, बारिश में जाने का मजा ही कुछ और आ रहा है, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। तो गाइस देख सकते हो ये है एक टफ रूट जहाँ पे अभी ये गाड़ी बैक आ रही है, चढ़ रही नहीं है क्योंकि कीचड़ हो जाता है ना यहाँ पे। और अपन लोग देख सकते हो जैसे कि फुल ऑन पैक्ड हैं। और अपने माइकल ब्रदर मिला हमें जो पांगो लाइन में चलता है और छोटा भाई अंदर बैठा है। तो देखिए अभी गाड़ी आ गई है बैक और जेसीबी रास्ता बनाएगी। तो सही हो रहा माइकल भाई? ओके ओके रिपोर्ट ना। तो गाइज अभी थोड़ा सा मौसम खुला है देख सकते हो जैसे कि इन हसीन वादियों में। और अभी ये टोपा निकालूंगा नहीं क्योंकि ये जहाँ पे बाइक रुकेगी वहाँ पे निकालूंगा, इससे बहुत सेफ्टी मिल गई, अंदर काफी वार्म है। तो अपना छोटा भाई कैली सेव रहे सीन, बहुत बढ़िया आ रहा है, मजा आ रहा है ना, बहुत मजा आ रहा है। ये अपनी धन्नो कुल मिला के कई जगहों से होते हुए हम आ चुके हैं ये। हाँ टाइम क्या हुआ? टाइम कैली टाइम ढाई बज रहा है, तीन लगभग लगभग तो 2:30 से 3 बज रहा है। तो अभी हमें सुबह की चढ़ाई भी चढ़नी है, साढ़े तीन हो गया। तो अब सुबह चलना भी है, तो मिलते हैं गाइस। ये है खेत गांव। तो गाइस मैंने अपनी धन्नो सोबला में खड़ी कर ली है और अब मैं जा रहा हूँ गांव की तरफ, यानी कि बहुत चढ़ाई है। और अपने साथ में कैली ब्रो, हेलो कैली, दोनों हम लोग तिरपाल लेके चल रहे क्योंकि अगर रास्ते में बरसात आ गई तो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, दोबारा नहीं पहन सकते इसके लिए। तो मेरे पूरे देखिए पानी चले गए जूतों में, पानी आ रहा जूतों में, पर कुल मिला के फुल ऑन एंजॉय हो रहा है। अब ये झूला पुल है हमारा, यहाँ से आगे जाके पैदल ऊपर कितना। मैं अभी हमारे गांव की 4x4 रोड में अपनी 4x4 डाल के आ रहा हूँ, देख सकते कितनी चौड़ी रोड है ये, देखिए ओ ऊपर तक चौड़ी रोड है। तो हमारे माननीय विधायक जी ने भी प्रॉमिस किया है मुझसे कि एक बारी वो पैदल भ्रमण करेंगे हमारे गांव की तरफ, तो उनसे भी बहुत जल्दी संपर्क हो गया, हमारे गांव की तरफ पैदल भ्रमण करवाएंगे उनको और इस सड़क की जो समस्या है उसे भी दिखाएंगे। बाकी कुल मिला के अपने छोटे भाई योगेश के नाम मतलब हरीश और कैली, हाँ तो हम लोग अभी पैदल चल रहे हैं बरसात में, भीगी भीगी बरसात में, शादी का माहौल है। तो अभी वो ऊपर जाना है जो लास्ट ये खम्बा दिख रहा है गाइस, इस खंबे तक जाना है। तो फाइनली हम टॉप पे पहुंच चुके हैं, तो अपने सारे भाई लोग तो ये भी उतारूंगा मैं क्योंकि बारिश के हमें बहुत गर्मी लग गई है। वो नीचे देखिए हम कितने दूर से आए उन पेड़ों के बीच से, तो अभी हम चल रहे आगे की तरफ। तो मिलते हैं गाइस, शादी का माहौल है, अभी हम बशनेधार में पहुँचे हैं तो बने रहिए साथ में, रात का क्या होता है देखिए। यहाँ से आए हम, वो है धारसुला का रूट। तो गाइस अभी हम मैंने अपना जो प्रोटेक्शन है वो उतार दिया है बरसात के लिए, तो गांव पहुंच चुके हैं, तो अभी इसको उतार के रख लेते हैं फिर मिलते हैं। तो गाइस देख सकते हो जैसे कि गांव दिख चुका है, हम लोग अभी यहां पे पहुंचे हैं, यहां से पैदल उन हसीन वादियों में, बर्फ लग चुकी है तो अब अपने गाँव की तरफ काफी किलोमीटर पैदल चल के हम पहुंचे हैं। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं सुबह और ये अपना गणू जो मिल जगह पूरी खा रहा है अभी, तो फुल ऑन चिल मारते हुए गांव में, ये अपना केले छोटे भाई बारिश में, और हम लोग पूरी और आलू और चावल का मजा ले रहे हैं जो भाई लोग हैं। तो अभी उधर माहौल चल रहा है, तो माहौल में अभी थोड़ी देर में मिलेंगे, फिलहाल थोड़ा सा खाना खा लेते हैं, पेट पूजा। मेहंदी सेरेमनी आज चल रही है आपके सुपुत्री का, हमारे बालक अभी पहुंच रहे हैं। तो कैसा हो रहा है सीन? ठीक हो रहा है? मस्त, बढ़िया बढ़िया हो रहा है ना। चलो अभी कल का माहौल भी है, अभी आज रात मेहंदी है सुहा गांव में, है नी। सो हेलो एवरीवन, तो मैं अभी बैठ रखा हूँ गाँव के गोठ में जहाँ पे गाय बात रखे, बाहर मौसम ठंडा था इसके लिए देख सकते हो अंदर प्रॉपर, ये देखिए गाय वगैरह, और ये खाने की कोशिश कर रहा मुझे, अबे कुछ नहीं मेरे पास, क्या खाएगा तू भाई। और बाहर पे ये अपना कैली छोटे भाई, यहाँ पे छोटा सा बल्ली है और ये गाय है देखिए। तो कुल मिला के गाइस हम गोठ में बैठे हैं, तो अभी बहुत मजा आ रहा है, गर्म आ रहा है, बहुत गर्म हो रहा है, काफी गर्म हो रहा है इनके जानवरों की हीट से अभी, जहाँ बाहर जहाँ बर्फ पड़ रहा है तो यहाँ बहुत अच्छा हो रहा है मतलब गोठ के अंदर। कुल मिला के अभी मिलते हैं।
थोड़ा मुंह घासने बनाओ, थोड़ा हंस चेहरे में हंसी। सो गाइस मेहंदी सेरेमनी स्टार्ट हो चुकी है पूरा की। वहाँ 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 से मैं निकाल बुआ के लिए तो देख सकते हो तेरा नाम शिवानी है ना, शिवानी का कलाकारी देखते हैं और वहाँ पे ब्राइट का मेहंदी लग रहा है। ये देखिए मेहंदी का सेरेमनी आ गया। चल शिवानी देखते हैं कैसा लगता है, इंड रिजल्ट देखते हैं तेरा कैसा है। तो गाइस देख सकते हो पुनु किस तरीके से बातें कर रही है, तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर लो है नी। यस तो देखिए शिवानी कितना अच्छा मेहंदी बना रही है मेरा, और आधा बना चुकी है। बदलवा बात खा रही थी तेल कैसा लगा रही है मेरा मेहंदी। ओम ओम वाला सही लगा मेरे को ना, नहीं छोटे ओम ठीक लग रहा है नहीं, ओम बढ़िया बना रहा। नहीं क्या बोलता है तू, ओम बढ़िया बना रहा, बढ़िया बना है ना, गुड। तो देख सकते हो जैसे कि मेरी मेहंदी लग चुकी है बहुत ही प्यारी। ये शिवानी शिवानी यहाँ देख, और मेरी मेहंदी बिगड़ चुकी है। चंदा बढ़िया मेहंदी लगाओ आओ। अरे भाई साहब देखिए मेहंदी से और वो है तुम्हारा और देख सकते हो यहाँ पे सुबह वाले सारे भाई लोग कल की तैयारी कर रहे हैं, तो प्याज वगैरह तो रात के 12:30 से ही मतलब तैयारी चल रही है सुबह में एकदम प्रॉपर। मटर वटर छिल के सब छिल के फिट हो चुका है, बड़े बड़े बर्तनों में सब फिट है ना। हाँ तो देखिए बड़े बड़े टेकों में अभी खाना आना भी बनेगा, तो सभी लोग
गाइस ये रात के 1:30 बजे अभी यहाँ पे फंक्शन हो रहा है। और देखिए यहाँ पर आग सेक रहे हैं अभी, पहले रात के 1:30 बज रहे हैं ना। सुबह गाँव विलेज में, और मैं कैली के अंकल आया था सोने के लिए, और ये है गणू जी। यहाँ गांव में आजकल थोड़ा वो कर रहा है, दीवार वार का काम कर रहा है, आड़ हल हल जोत रहा है, ठंगरा अंगरा काट रहा है। गुड शॉट छोड़े, अच्छी बात हो गई। तो बाहर पे हमारे गांव में अभी फिलहाल बरसात हो रही है तकड़ी वाली, और हम रेडी होगी फिर जाते हैं जी शादी में। तो गाइस देख सकते हो अभी ये दही के साथ कैली नाश्ता कर रहा है, मड्डू की रोटी और ये होता छावड़ा, और हमारी ठुलजा जो हमें अभी नाश्ता करा रही है। बस धन्यवाद। ये होता प्योर दही गांव में जमा हुआ, और ये होता चटनी इसके साथ करेंगे। तो गाइस देख सकते हो मॉर्निंग, मेरे साथ में कैली। मॉर्निंग। तो अभी हम लोग जा रहे हैं शादी में, और फिर से बारिश हो गई है। लगता है दुल्हन ने कढ़ाई में भात खाया था या दिल्ली ने खाया था, बारिश बहुत हो रही है। तो अभी हम जा रहे हैं नीचे की तरफ, और खूबसूरत वादियाँ सुबह विलेज की हरियाली, हरियाली है, ऊपर बर्फ़ पड़ रही है बहुत दूर, डाणा कांड है ऊपर। तो मिलते हैं वहीं पे जाके, सी यू। सो गाइस मैं अभी यहाँ शादी में आ रखा हूँ, और जो प्रथा होती है गांव की डीप डाउन फ्रॉम द पहाड़ कल्चर, तो हमारे मामा जी बताएंगे। मामा जी, तो ये जो पैसे चढ़ा रहे हैं और पैसे लिख रहे हैं, ये क्या होती है प्रथा? मतलब ये हमारा गांव सहयोग के लिए, मतलब जो भी हम ये धनराशि ले रहे हैं, मतलब खाद्यान्न मतलब आपूर्ति के लिए, मतलब पूरा करने के लिए ले रहे हैं। मतलब जैसे किसी की शादी में हम लोग अपने खाद्यान्न आपूर्ति, मतलब एक एक परिवार से 60 रुपए जाता है नहीं? तो कभी कभी 60 की जगह 120 भी करना पड़ता है, ज्यादा कभी 180 भी जाना पड़ता है। वो जैसे मतलब जैसे आप लोग जितने भाई बहन होंगे उतना शादी होगा, तो उतना ही अधिक रकम बढ़ते जाते। ये पूरा सहयोग हो जाए गाँव की तरफ, एक परिवार को, ताकि ज्यादा लोड ना पड़े। तो यही है अपनी पहाड़ की ब्यूटी, जिसमें हर कोई सहयोग करता है बने। तो ये है हमारे गांव के कल्चर। तो ये अभी क्या चल रहा है हमारे मामा जी बताएंगे, बताओ। ये कन्यादान, कन्यादान रखा जा रहा है। उसमें अब जो भी धनराशि होगा वो कन्या के पास ही जाएगा। हाँ, मतलब गांव के हर परिवार से कुछ न कुछ जाता है नी। हाँ, जो जितना दान कर सके। हाँ, कन्यादान होता है नी। चलो, ये रिटर्न आ जाता है नी, जैसे किसी की कन्या होती है। अच्छा,
चलो लड़के का अलग कल्चर है जो रिटर्न होता है, लड़की के उसमें दान होता है, किसी का कोई वो नहीं है, दबाव नहीं है, दबाव नहीं है, जो जितना रखे। चलो ठीक है, तो ये दिन का माहौल है और हम सोआ विलेज में भोजन कर रहे हैं। देखिए ये अपना गणू छोटा भाई, तो भोजन सही बना गणू, अच्छा बनाने। तो यहाँ पे अपना सुनत्या भी मिला, सुनत्या एक बच्चे का बाप है, और अपना कैली कैली भी मिला, और कुल मिला के फुल ऑन भोजन हो रहा है यहाँ पे। आती दी हमारी प्लेट लेके जा रही है, देख सकते हो। सो गाइस अभी भोजन करके मिलते हैं। तो ये डीप डाउन फ्रॉम द पहाड़ द सुआ विलेज, यह है सुआ मेरी जान। गाइस हमने यहाँ पे भोजन वगैरह कर लिया है और काफी सारा ये अपना छोटा भाई तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए बराती, हमारे बराती लोग आएंगे, हमारे गेस्ट लोग आ रहे हैं, उनका रिस्पेक्ट देंगे अब, फिर हम भी उनके बरातियों के साथ, यस लेट्स गो जाएंगे, लेट्स गो। हाँ चलो, ये हमारे जम्मू पुर डांस करेंगे। अरे मैं धम में लीजा सहरा, पहाड़ में काम धम में लीजा सहरा, टेढ़ा मेढ़ा रोटनी रहना मैं लगानी डर, मैं लगानी डर, गोविंदी घुंघर बचाए छम छमा, गोविंदी घुंघर बचाए कम कमा कम कम। सो गाइस दिस इज सुआ विलेज एंड ये हमारे सुआ के गांव वाले जो फुल ऑन एंजॉय कर रहे हैं इन हसीन वादियों में। तो आप चाहे हल्द्वानी हो, मुंबई हो, तो फुल ऑन एंजॉय धाम। गोविंदी नारायणा चमचमा नारायणा पहाड़ मेल। सो गाइस दिस इज द विलेज फ्रॉम सुआ, डीप डाउन फ्रॉम द पहाड़। ओ हाय नविंदी मैं दिखाए कम कम। मेरी शादी आ चुकी है जो हमारे सुआ की तरफ अपना, हाँ देख सकते हो, यानी कि जम्मू से शादी आ चुकी है, जहाँ पे ये है बाराती लोग। सो गाइस दिस इज सुआ विलेज और सुआ में शादी आ चुकी है, देख सकते हो। सो गाइस ये है सुआ विलेज में शादी आ चुकी है।
तो बाराती पहुंच चुके हैं यहाँ पे। तो बाराती लोग खाना खा रहे हैं, हमने खाना ना खा लिया है। तुमको कैसा लगा? बहुत ठंडा हो रहा है और बर्फबारी काफी तगड़ी हो रही है और यहाँ पे काफी शादी का नजारा भी अच्छा हो रहा है। हमारे कल्याण सिंह जी काफी खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं, बारातियों का फुल व्यवस्था हो रहा है और काफी लेडीज लोग भी आए हैं, उनका हम काफी स्वागत करने को चाह रहे हैं, वो भी रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सुबह का है और बगल में खेत गांव का डांस चल रहा है, तो दो पलटन चल रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे शादी संपन्न होने जा रही है अभी, मेरा घर गांव का वो और ये जहाँ पे अभी कोई नहीं रहता यहाँ तक। तो ये नौकर पट्टी है, बोले तो नेगियों की पट्टी। तो ये अपना कल यह है अपना कालू और अभी फ़िलहाल मौसम बारिश ही हो रहा है और अच्छा लग रहा है अपने गांव में आके, अपने जन्म स्थल में आके काफ़ी सुकून मिलता है मुझे। सो हेलो एवरीवन, सो फाइनली गाइस हम जा रहे हैं सुबह से जम्पू की तरफ। मेरे साथ में है कैली और ऊपर बारात आ रही है, बारात अभी समय लगेगा शायद बारात को आने में, तब तक हम आगे से चलते हैं और बने रहिए साथ में। क्या है माहौल, लेट्स सी अभी जम्पू का माहौल क्या होता है। देखिए यहाँ पे सुबह के उन वादियों में बर्फ़ पड़ चुकी है, देखिए, और यहाँ पे उस डांडी कांटी में भी लग गया है बर्फ़, देखिए। और हमें वहाँ से जाना है कल जहाँ से आए थे, तो यहाँ से पैदल पैदल जाना है जम्पू की तरफ। तो मिलते हैं। तो भाई कई मुशक्कत के बाद हम पहुँच चुके हैं सोवला पुल में। तो यह कैली ऊपर पहाड़ में बर्फ़ पड़ गया है और हम अभी सुबह से आए, बारिश पड़ गया है, जो पीछे से बारात आ रही है वो शायद गीली हो जाएगी। तो मिलते हैं अभी इस प्रेम के बाद। हम लोग रेनकोट डाल रहे क्योंकि रेन वगैरह हो रही है काफी, कैली ने डाल दिया, अभी मैं भी डालूंगा बहुत तगड़ी, तो इसके लिए अब रेनकोट डालना बहुत जरूरी है गाइस। तो गाइस अभी हम ऐसी रोड पे आ रखे हैं ना जम्मू के, हमें पता ही नहीं है, अभी रात का माहौल है, पूरा चढ़ाई 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 है और मैं राइड कर रहा हूँ। जैसे हमारी पूरी सुवा गैंग अभी चल रही है नहरी नहर, और ये अपना छोड़ दिनेश, तो पूरी सुवा गैंग नहरी नहर चल रही है। जरा सा भी अगर पैर हमारा टसमस हो गया तो सीधे खाई में, नीचे बहुत बड़ी खाई है गाइस, देख सकते हो भाई साहब। देखिए ये है शादी का माहौल, एंजॉय। शादी अभी पहुंच चुकी है अपने स्थान पे, जहां पे अभी वो हो रहा है पूजा वगैरह। सुबह वालों के लिए अभी चाय और वो मिल रहा है, चाय एंड नमकीन रिफ्रेशमेंट के लिए सुबह वालों को सबको। नाइस नाइस। Yeah.
अबे तुम लोग का बहुत सही हो रहा है, अच्छे से, नाइस, ये गुड, ये ओहो दुनिया, ये पंगू भाई, ये अपने गांव के लौटने दे ना कितना तोड़े बन रहे ये ये बड़े इन गप मत लगाओ नाचो ये नाइस यस नाइस मजा आ रहा है वेरी नाइस बहुत बढ़िया आप लोगों का अच्छा हो रहा है बहुत बढ़िया आप लोगों को चॉकलेट मिलेगी एक वेरी नाइस ओहो अलिया ये मेरी दिल की रानी सो गाइस यहां पे अभी सुनो रिया दपा नचर थोले यस परपाता रिया दपा नचर थोले यस काकी तू कर ले दियो क्या तू हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग तो ये अपना छोटा भाई कैलाश तो हम लोग जमकू गांव में थोड़ा सा भ्रमण कर रहे हैं वैसे जमकू गांव काफ़ी अच्छा रहा मतलब इस तरफ से भी देखिए पूरा मैदानी एरिया ऊपर बर्फ़ पड़ गई है डांडी घाटी में देखिए वहाँ कई तगड़ा सीन चल रहा है काफल पाको जेठ मसाका वाला सीन है तो यहाँ बैठते हैं थोड़ा चिल मारते हैं सुनवा दिया मैं तो जैसे कि ये उधर पे शादी थी और यहाँ से पूरी पगडंडियाँ बहुत खतरनाक और मैं यहाँ पे जहाँ से पूरा छिंकला डैम दिखता है देख सकते नीचे कई तगड़ा गाइस फाइनली मैं धारचूला पहुँच चुका हूँ तो देखिए ये खूबसूरत नज़ारा धारचूला का